मैडम जी गलती मेरी है, मैंने माफ कर दियो, गलती करके मैं माफी मंगना है। हाँ, ये ठीक रहूंगा। जमुना घंटी जी बजाई तो सारे घर दे उठ पैणगे, हुण की करां मैं। हाँ ठीक रहो। मैडम जी तो गुस्से ही बहुत ने, हाथ जोड़ नाल भी गल नहीं बनी। मैडम जी तो मुंह ही फेर लिया, हूं की करा मैं। हुण तुसीं मैनूं मनाउण लई इन्ना जोर क्यों ला रहे हो जरावर जी? मैं तां तुहाडे बारे बहुत बुरा सोचदी हां ना। नहीं नहीं मैडम जी, इहो जी कोई गल नहीं जी, ओह गलती तां मेरी होई जी, तुसीं तां डायरी च अजे कुछ लिखिआ ही नहीं, ओह मैं ही गलत समझ लिआ होणा जी। समझ गया होणा नहीं, तुसीं गलत समझिआ है, तां ही तां मैं तुहाडे तों डायरी मंगवाई सी ताकि मैं आप पढ़ के तुहाडा शक दूर कर सकां। मैं उही दसण आया सी मैडम जी, जिहड़ी तुसी डायरी दित्ती सी जी, ओ घरे पता नहीं कितने पूरा भरा हो गई जी, लभदी नहीं हूं, ओ मैं तो खो गई जी। तुसी डायरी गवाती? हाँ जी मैडम जी, इससे गलती थी ता सजा मंगना है जी, मैं हाथ जोड़ के कन्न फड़ के बैठका मार के, मैं माफ कर दो मैडम जी, जे जे थोनू लगता है कि मैं तो बहुत बड़ी गलती हुई है ता इहदे बदले तुसी मैनूं जो भी सजा कहोगे मैनूं मंजूर है जी, डायरी दे बट्टे तुसी जो भी चीज़ कहोगे मैं वो लिया दूंगा जी, बस तुसी मैनूं माफ कर दिओ जी, मैनूं वो सोने दी चैनी वापस दे दिओ। नहीं नहीं जरावर जी, कोई जरूरत नहीं है किसी चीज़ की, मैनूं कुछ नहीं चाहिए डायरी बट्टे, मैं ठीक हाँ। नहीं नहीं मैडम जी, तुसी जो भी सजा दोगे मैनूं मंजूर है जी, बस तुसी माफ कर दियो जी मैनूं। ठीक है कर देता, पर सिर्फ डायरी गवाण वाली गलती ले, क्योंकि वो तुहाडे कोलों गलती नाल गवाच गई होनी है या कितें इधर उधर रख के भुल गए होने, दोबारा लभ जोगे, पर जेड़ा तुसी मेरे उत्ते विश्वास ना करके दोस्ती दा असूल तोड़िया है उहदा की होगा? एक दोस्त तां दूसरे दोस्त ते कदे शक नहीं करता, ते इस गलती लई तुहानूं इन्नी सौखी माफी नहीं मिल सकती। हाँ जी मैडम जी, गलती तो मेरे तो हुई है मैनूं पता जी, पर एक दोस्त नूं दूजे दोस्त नूं तो माफ करना ही पैना ना जी, पर जे तुहानूं लगता है तो तुसी मैनूं जो भी कहोगे मैं करन नूं तैयार हाँ जी, पर बस तुसी मैनूं माफ कर दिओ। नहीं जरावर जी, ऐदा गल नहीं बननी। हाँ जे तुहानूं इन्ना पता है तो तुसी मानदे वी हो कि तुसी गलती कीती है, फिर तो तुहानूं इन्ना भी पता होना चाहिए कि उस गलती की माफी किस तरह मंगनी पड़ेगी। हाँ जे नहीं पता तो सोचो ते पता करो,
गंगा जी मैं चल दिया हूँ, बहुत देर हो गया। मैडम माफी क्यों मैं मंगनी आप ये सोचो, ये सोचने वाले काम तो मैंने सब तो औखा लगता, हूँ की करा मैं। चट्टा साहब आज एजुकेशन एडवाइजरी वाली जी मीटिंग है वह टाइम जोरा खुला रखियो ताकि विस्तार नाल डिस्कशन हो सके। हाँ जी सर। ते दूजी कॉलेज के फंक्शन वाली तो आप समाप्ति तक भी पहुंच जाएंगे ता भी अपना काम सर जूगा। बिल्कुल सर। चलो आ जा। सर जी तुसी आ जाओ, मैं बाहर बैठदा, सारा कुछ उत्थे ही नोट कर लेना। मेख बिंगी सी पापा जी, हुण नहीं हुंदी फोटो टेडी। हुण ठीक है, टेडी होनी भी नहीं सी चाहिए। तुहानू पता पुत्र जी, तुहाडे मम्मी जी दे हुंदे आ इस घर की कोई भी चीज कदे भी अपनी थां तो नहीं सहेली। अज ओह भावें मेरे नाल नहीं हैगे पर उन्हां दी हरेक पसंद ना पसंद मैनू हले तक याद है। पुत्र जी जे जीवन साथी चंगा होए ना तो जिंदगी का हरेक टेढ़ा रस्ता हंसते हंसते कटिया जाता है। हाँ जी पापा जी वो तो है। ये तो है पुत्र जी, ये गल तो तुम ऐ कह रहे हो जिमें इस गल का तुम्हें बहुत ज्यादा तजर्बा हो। इस गल का तुम्हें उदो पता लगना पुत्र जी जदों तुसीं भी जिंदगी दे विच किसी रिश्ते दे नाल भज जाओगे, उदों तुहानूं इस गल दा एहसास होएगा कि जिंदगी दे विच प्यार करन वाले दा की मतलब हुंदा है। ते जदों तुहाडा जीवन साथी बन जाए तां फिर प्यार किद्दां दुगणा हुंदा है। पुत्र जी मैनूं इक मीटिंग लई दिल्ली जाना पएगा, मैं छेती आऊंगा। ठीक है पापा जी। हम तेरा पुत्र जी। मम्मी जी मैनू पापा जी दे एवें दी गल्लां पहला कदे समझ नहीं लगी पर हुण थोड़ी थोड़ी समझ आउण लगी ने। लगता कि वो जो भी कह रहे ने ठीक ही कह रहे ने। अजकल तो मेरा भी दिल करता है कि मैं ब्याह करवा लवां, मैं भी यह जी खूबसूरत जिंदगी माणा जो पापा जी ने थोड़े नाल गुजारी। मम्मी जी कल मैंने थोड़ियां गल्लां बहुत वधिया लगियां जो तुसीं चिट्ठियां विच लिखियां सी, मैनू सवरीन भाभी ने पढ़ के सुनाई है। मम्मी जी मैं थोड़े नाल गल करनी है जो अज तो पहला मैं किसी नाल भी नहीं की। मम्मी जी मैनू लगता कि जिवें पापा जी थोड़े बारे गल करके महसूस करते हैं
उम्मीद जो मैं जूनी मैडम नाल हुंदा तां मैनू भी उम्मीद ही महसूस हुंदी। मम्मी जी शायद तुसीं हुंदे तां मैनू दस ही दिंदे कि मैं मैडम जी नाल की गल करनी। मैनू तां पता भी नहीं चज नाल के गल किवें करी दी। मैं मैडम जी नूं किवें दसां कि मैं उन्हां बारे की सोचना, मेरे दिल विच उन्हां बारे की है। तुसीं कोई राह पाओ मम्मी जी। पुत अंदर जाके कपड़े पाला, प्रेस कीते पे है, तां मैं प्रेस ली देण चलदी आं। बुआ जी तुसीं बस कम ही करते रहा करो, तुसी आओ, मैं बहुत जरूरी गल करनी है थोड़े नाल। आओ तुसी। की कहना? आओ बस। हलो जी, तुहाडा घट घिओ वाला परौंठा। तुहाडा वधिया है, परौंठे नूं घिओ घट लवाना है, पर अचार जरूर नाल लैना है। आ देखियो फोन किदा है। लै बई ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਪੰਮੀ ਦਾ। ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਾਲੀ ਨਾਲ। ਨਾ ਬਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀਜਾ ਸਾਲੀ ਦੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂ ਪੰਮੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ? ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ, ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਿੰਟੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਈਏ। ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਪੰਮੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਜੂਨੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਜੂਨੀ ਲਈ। ਹਾਏ ਸੱਚੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਿੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣੱਖਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤਾਂ ਰੋਕੇ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਚੰਗਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਜੂਨੀ ਲਈ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾ ਦੇਣ। ਆਓ ਬੁਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਬੁਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਬਸ ਕੰਮ 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 ਹਰ ਵੇਲੇ। ਬੁਆ ਜੀ, ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀ ਨੂੰ ਭਾਫ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੁਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਆਪਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਹੱਥ ਕਰੋ ਇੱਧਰ, ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਹੱਥ 'ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ, ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ। ਸੱਚੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਜ਼ੋਰੇ ਪੁੱਤ, ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਵਰਗੀ ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਜੱਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਦਿਲ ਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ
सोच समझ के फैसला लेंगे। एकदम बराबरी न्यारी तकड़ी वांग। भरजाई जी हमेशा मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के वीर जी ना खड़े रहे, वीर जी की हिम्मत बने रहे। एहो जी जोड़ी करमा ना बनती है पुत, ते जे भी इदां दा साथ तैनू मिले ना तो उहदा हथ कदे ना छड्डी बच्चे। मैनू अज भी याद है जदों भरजाई जी वीर जी ना हुंदे सी उहनां दे चेहरे ते हमेशा मुस्कुराहट रहिंदी सी। जिद्दां अजकल तूं खुश रहिंदा। एक गल याद रखी पुत, जिहदे करके हसदा रहिंदा ना उहनूं दूर ना जाण दे अपने कोलों। मैं तेरे दोस्त बारे बहुता तां नहीं जाणदी, एक दो बार मिली हां, पर इन्ना जरूर कहांगी कि वह बड़ी भली तो सच्ची कुड़ी है। उहदा चेहरा ते तेरी खुशी वेख के मेरे काल जी नूं पुत ठंड पै जांदी है। किसी दीआं गल्लां च आ के गलत फहमी ना पाल ली, ते इहो जी चंगी कुड़ी नूं कदे वी अपने तों अड्ड ना करी, उहनूं अपने तों दूर ना करी, हमेशा अपने कोल रखी। चंगा? तुसीं ठीक कह रहे हो भूआ जी, अच मम्मी जी जाते होंगे तो शायद वह भी यही गल कर। मैं चुनी मैडम नू सिर्फ अपना दोस्त ही नहीं मानता, मेरे लिए तो वह दोस्तों भी बदल। जब मैं मैडम जी नाल हूँ तो मैं लगता कि मेरे च कोई कमी नहीं, बहुत ही अलग तरह का लगता मैं। यह एहसास मैं गवाना नहीं चाहता। पूरा तुसी ये दसो तुसी खुश होने इस गल नाल? तू मैनू पूछ रहा पुत, जे तेरा उहदे नाल विआह हो जाए ना तो मेरे भाड़ा ते सारा घर ही सोने नाल भर गया। पुत उहदे तो चंगी ते साऊ कुड़ी बाजवां दे घर दी वड्डी नूं बण ही नहीं सकदी। फिर ठीक है भूआ जी, करदा जाके सुरेन भाभी नाल गल। भाभी जी नूं मेरे विआह दा बहुत फिक्र सी, जब उन्होंने पता लगना कि मेरे व्याह की कुड़ी लभ ली है तो उन्होंने सरदर्दी मुक जानी है। भूआ जी करो तैयारी फिर भतीजे के व्याह की, जे थोनू अजूनी मैडम पसंद है ना तो फिर बाजवा के घर की वड्डी नूं उही बन के आओगी। आओ तुसी मेरे नाल। वड्डी नूं बाजवा परिवार की वड्डी नूं तां सवरीन कौर बाजवा है, सवरीन कौर बाजवा रहूगी। दूजी नूं वाला सपना तो सपना ही रह जाना तुहाडा। हुण वेला आ गया उस अजूनी नूं इत्थों कढ़न दा, इस पिंड विच्चों, इस स्कूल विच्चों, ते इस छोटे दी जिंदगी विच्चों। रविंदर हुण आखरी कदम चुकन दा वेला आ गया है। शनी भूआ ने तां हां कर ही दित्ती है, हुण तां गल अगे वधाउणी पैणी है। जोरिया मैं भी तुहाडे लई इक गिफ्ट लै के आई हां, जिवें तुसीं हैडमास्टर सोडी साहब नाल डील करन च हैल्प कीती है ना, ते तुसीं मेरे लई बहुत स्पैशल हो। तुसीं इह गिफ्ट खोलण तों पहलां ना इह डायरी पढ़िओ। डायरी विच की लिखिया है? ये तो मैंने अजूनी मैडम ने दस ही दिता है, फिर हुण तो मैं गिफ्ट खोल के देख ही सकदा। मैडम जी अपनी पहली तनखाह विचों मेरे लिए गिफ्ट लेके आए, ते मैं मूर्ख उन्हां नूं गलती समझी गया, पर हुण मैं आप जाके मैडम जी नूं दसूंगा कि मेरे दिल विच उन्हां लई है की, ते मैं उन्हां बारे की सोचदा।
प्रपोज मतलब जिन्हों तुसी पसंद करते हो ते उन्हों अपने दिल की गल कहते हो। किसी मुंडे का मैनू प्रपोज करन दा तरीका बिल्कुल वक्रा होना चाहिए। जे थोनू लगता है कि मेरे तो बहुत वड्डी गलती हुई है तो इहदे बदले तुसी मैनू जो भी सजा कहोगे मैनू मंजूर है जी, बस तुसी मैनू माफ कर दिओ। मैनू यह तो नहीं पता कि तुहाडी जिंदगी विच मेरी की जगह है जोरावर जी, पर एक गल पक्की है कि मेरी जिंदगी विच जोरावर सिंह बाजवा की बहुत खास जगह है, शायद सब तो खास। मेरे लिए तो तुसी इस पिंड, इस स्कूल ते इस दोस्ती की सब तो खास गल बन गए हो जोरावर जी।